सुबह का खास प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी आज मोदी सरकार के लिए बढ़ रही मुश्किलों को लेकर। जी हां, आप देख सकते हैं यहां जनसत्ता के फ्रंट पेज पर खबर पब्लिश हुई है जिसमें आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस जारी किया गया है और केंद्र से खफा चल रही वाईएसआर कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और ये कदम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। आपको बता दूं मैं यहाँ की चंद्रबाबू नायडू और जो उनके मंत्री हैं उनके कम से कम 3 से 4 मंत्रियों ने मोदी सरकार से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये कहा गया था कि चंद्रबाबू नायडू भी अलायंस से अलग हो सकते हैं लेकिन फिर उसके बाद बयान सामने आया कि एनडीए से अलग नहीं होंगे लेकिन उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया क्योंकि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके मनाने की कोशिश की थी और शायद यही वजह है कि थोड़ी सी सख्त जो स्थितियां थी सुलझ गई थी लेकिन फिर से अब ये पेज आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर ये पेज लगातार फंसता जा रहा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 9 सदस्य हैं और अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो ये मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। और ये देख सकते हैं अगली खबर है बैंक घोटाले पर संसद में हो चर्चा। नीरव मोदी जो कि पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 11,500 करोड़ रुपए की चपत लगाकर देश से फरार हो गया है उसके बाद लगातार संसद में जो विरोधी दल है वो लगातार इस मसले पर चर्चा कराने की बात कह रहे हैं लेकिन मोदी सरकार यानी कि बीजेपी जो है इस पर बैकफुट पर आ रही है चर्चा कराने से भाग रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि एक विहिप भी जारी किया था उन्होंने कहा था कि मैंने बकायदा बात की है और कहा है कि नीरव मोदी केस पर चर्चा हो लेकिन मोदी सरकार इस पर राजनीति कर रही है और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रही है जबकि नीरव मोदी केस पर चर्चा करने से पीछे हट रही है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़े बैंक घोटालों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि धोखाधड़ी के ऐसे बड़े मामलों पर चर्चा के लिए संसद में काम होना चाहिए। ऐसे मामले देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर संशय पैदा करते हैं। 5 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और ये स्थगित हो रही है और पीएनबी में 9 करोड़ का नया साख पत्र घोटाला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांडी हाउस शाखा में साख पत्रों के जरिए धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को 9.9 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। पीएनबी की शाखा अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा की गई लगभग 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर विवादों में है और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय समेत जांच एजेंसियां छानबीन करने में जुटी हुई हैं और नीरव मोदी कांड में भी इसी शाखा का नाम सामने आया था और ईडी ने 7 और देशों को एलआर भेजे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के मामले में 7 और मुल्कों को लेटर्स रोगेटरी यानी कि एलआर भेजे हैं और पीएनबी घोटाले में 6 देशों को एलआर भेजा जा चुका है लेकिन कुल मिलाकर अभी भी नीरव मोदी का केस लगातार फंसता जा रहा है और नीरव मोदी अभी भी मुल्क वापस नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा था कि उसकी कई मुल्कों में यहाँ तक कि बेल्जियम से लेकर रूस और रूस के बाद न्यूयॉर्क में उसके होने की खबरें सामने आई थी लेकिन कुल मिलाकर उसका अभी तक कोई ठिकाना मालूम नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नीरव मोदी केस में सिर्फ और सिर्फ जांच की जा रही है लेकिन नीरव मोदी मुल्क कब तक वापस आएगा अभी इस पर फिलहाल जो एक पर्दा है वो पर्दा डला हुआ है। सस्पेंस बरकरार है कि आखिर नीरव मोदी देश वापस आएगा भी या नहीं या फिर विजय माल्या की तरह छूमंतर हो जाएगा जिसको फिर भारत वापस आना नामुमकिन ही साबित हो सकता है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर है हरियाणा, बलात्कारियों को फांसी का फैसला। हरियाणा में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार करने पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है और अब ऐसे अभियुक्तों को राज्य सरकार ने फांसी देने का फैसला किया है। हालांकि इस संबंध में कुछ दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था लेकिन गुरुवार को विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्य सरकार के फैसले पर सदन की मोहर लग गई है और विधानसभा में बिल पास 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ
बलात्कार और सामूहिक बलात्कार करने वालों को मिलेगी फांसी और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का शील भंग करने की कोशिश पर भी दोषियों को कम से कम 2 और अधिकतम 7 साल की सजा होगी। और अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती मानी है और मजीठिया से माफी मांग ली है। ये खबर आप देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर मादक पदार्थ के धंधे में शामिल होने का निराधार आरोप लगाने के लिए माफी मांगी। और आप नेता की माफी मांगने के बाद मजीठिया ने उनके खिलाफ दायर किए गए मामले को वापस लेने का फैसला किया है। और इस बात की जानकारी देते हुए मजीठिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सत्य की जीत हुई है और केजरीवाल को अपनी गलती का एहसास हुआ है। हालांकि इस निधि आत्मसमर्पण के प्रति आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं ने गुस्सा भी जाहिर किया है। और मामला क्या था ये आपको बताती हूँ मैं। पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में मादक पदार्थों के प्रचलन और युवा पीढ़ी के नशे में तबाह होने का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा था। इसके बाद आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार में तत्कालीन मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर गोरख धंधे में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान ने दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को तलब किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिकों के उत्पीड़न और आरोप प्रत्यारोप के क्रम में पाकिस्तान ने गुरुवार को नया पैतरा दिखाया है। और ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ जारी गतिरोध पर बातचीत के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त सुहेल महमूद को इस्लामाबाद तलब किया। मैं आपको हेडलाइन दिखाना चाहूंगी, हेडलाइन देख सकते हैं आप यहाँ पर, पाकिस्तान ने दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को तलब किया है और भारतीय राजनयिकों का उत्पीड़न, रवीश कुमार ने कहा। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रवीश कुमार, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हमारे राजनयिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम वियना समझौते के तहत काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसके तहत कदम उठाए। ऐसे में पाकिस्तान का पैतरा देखिए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि नई दिल्ली में उसके राजनयिकों और उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार की घटनाओं के बाद उसने उच्चायुक्त को परामर्श के लिए बुलाया है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की करतूत देखिए कि खुद अब वो अपनी ही गलती पर पर्दा डालने के लिए किस तरह से कोशिशें कर रहा है। अगली खबर है, मीडिया को होना चाहिए और भी अधिक जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात की निचली अदालत को निर्देश दिया है कि न्यूज पोर्टल द वायर और उसके पत्रकारों के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आगामी 12 अप्रैल तक कार्रवाई ना की जाए। और पीठ ने टिप्पणी की है कि मीडिया को और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। साथ ही ये भी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और अमित शाह के बेटे जय शाह पर बीते साल द वायर की एक रिपोर्टर है, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही, सत्ता में आते ही अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी को करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ था। उसके बाद से ये मामला काफी गरमाया था, खुद हाशिए पर आ गए थे पीएम मोदी और अमित शाह। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। तो ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा है, हालांकि ये इस पर मानहानि का केस ठोका था अमित शाह ने। अब उसी पर कोर्ट ने ये कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है और 12 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी द वायर पर। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि बोलनी पड़ती है पुरानी बातें। आप जनसत्ता के बॉटम में देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद गुरुवार को कहा है कि कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। हालांकि लोग पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। वही व्यक्ति सफल होता है तो होता है जो पुरानी बातें भूल जाता है। और सपा अध्यक्ष बुधवार की रात अचानक बसपा अध्यक्ष मायावती के घर धन्यवाद देने पहुंचे थे। और आपको बता दूं, गोरखपुर और फूलपुर में इस बार सपा और बसपा का लाइन सामने आया था। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा और वहां पर सपा बसपा का अलायंस काम कर गया और वहां पर मायावती यानी कि बुआ और बबुआ की जोड़ी सफल हो गई। और ऐसे में मायावती और अखिलेश यादव, जिनमें 36 का आंकड़ा कभी कहा जाता था, लेकिन अब वही उनकी तारीफें करते हुए भूल नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब अखिलेश यादव कहते हैं कि जब सफल होता है इंसान तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। वाकई सियासत अपने आप सियासत के मायने बहुत दिलचस्प होते हैं और कब यहाँ पर दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए कह नहीं सकते हैं। और अक्सर ऐसा चुनाव में देखा भी जाता है दल बदलों की राजनीति और साथ ही साथ दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनते हुए देखते हुए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर की खबर सामने आई है, बिस्लरी और एक्वाफीना समेत 93%
93% पैक्ड वाटर खतरनाक है। दुनिया भर में बोतल बंद पानी की गुणवत्ता को लेकर बेहद चौंकाने और डराने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक दुनिया भर में 90% बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के बारीक कण घुले हुए हैं। इसमें दुनिया के 9 देशों के 11 बड़े ब्रांड शामिल हैं, जिनमें भारत की बिस्लरी, एक्वाफिना, इवेनिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। और कल CBSE का पेपर लिखवा था, उस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि CBSE ने हमसे ये कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे में जब कुछ हुआ ही नहीं तो किस प्रकार का प्रोपागेंडा काटा जा रहा है। तो ऐसे में सिसोदिया ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि CBSE ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अब इस पर जांच की जाएगी। CBSE का 12वीं का अकाउंट का पेपर लीक होने के मामले में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और पर्चा लीक होने को लेकर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के ट्वीट, CBSE और पुलिस तीनों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। CBSE ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करने की बात कही है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है कि केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर CBSE का कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और ऐसे में MCT को लेकर बड़ी खबर आती जाऊंगी, सीलिंग को लेकर बड़ी खबर है MBT के फ्रंट पेज पर, बिल्डिंग प्लान 7 दिन में ऑनलाइन पास करेगी MCT। सीलिंग से राहत के लिए DDA ने किए नए उपाय, या कमेटी से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी को खत लिखकर मिलने का समय मांगा है। खत में लिखा है कि जो भी समय और जगह तय की जाएगी वहां हम मीटिंग को तैयार हैं। गुरुवार को CM गांधीनगर गए, वहां CM केजरीवाल ने दोहराया कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग बंद नहीं हुई तो वो अनशन करेंगे। और ऐसे में आज के लिए फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। कल फिर से मैं अखबारों की सुर्खियों को लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।